दिल्ली कैपिटल्स का टूटा सपना, लखनऊ और पंजाब की जीत से इन टीमों को हुआ नुकसान, पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव, बताएंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल रात पंजाब किंग्स के हाथों सीजन की 8वीं हार का सामना करने वाली दिल्ली कैपिटल्स का खिताब जीतने का सपना टूट गया। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली ये टीम आईपीएल 2023 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। दिल्ली कैपिटल्स के अब 12 मैचों में 8 अंक हैं और यहां से वे अधिकतम 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में दिल्ली ने इस साल डेविड वार्नर की टीम की अगुवाई सौंपी थी। वार्नर को छोड़कर डीसी का कोई बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा पाया, जो इस सीजन में टीम की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। वही बात पंजाब किंग्स की करें तो दिल्ली कैपिटल्स पर 31 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद टीम दो पायदान की छलांग लगाकर छठे पायदान पर पहुंच गई है। शिखर धवन की टीम के 12 मैचों में 12 अंक हैं। अगर टीम को प्लेऑफ में कदम रखना है तो हर हाल में उन्हें अपने बचे दो मैच जीतने होंगे। पंजाब की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स को नुकसान हुआ है। वे 7वें और 8वें पायदान पर खिसक गई है। वहीं दिन के पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत दर्ज कर 13 अंकों के साथ टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है। लखनऊ की जीत से राजस्थान रॉयल्स 5वें पायदान पर लुढ़क गई है। दिल्ली कैपिटल्स के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी प्लेऑफ में पहुंचने का पत्ता लगभग कट चुका है। ये दोनों टीमें अब अपने बचे सभी मैच जीतकर भी अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच सकती है। इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन है। पॉइंट्स टेबल में इस समय गुजरात 16 अंकों के साथ टॉप पर चल रही है। वहीं 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे पायदान पर है। अभी तक इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना पक्का माना जा रहा है। वहीं आखिरी दो स्पॉट के लिए बाकी टीमों के बीच जंग जारी है।